Hello students, let's see this question. Two electromagnetic radiations have wave numbers in the ratio 2:3. Their energies per quanta will be in the ratio. Char options yahan pe given hai. Ab dekhiye jo electromagnetic radiations hain, agar iski ek quanta radiations ke andar hum kya bolte hain ki jo energy jo transfer ho rahi hai ya energy ka jo movement ho raha hai wo small packets of energy ke form mein ho raha hai, theek hai. So ek quanta ke andar jo energy hogi usko basically yahan likha hua hai energy per quanta. So wo energy kya hoti hai, h nu hoti hai, theek hai, h nu hoti hai ek quanta ki energy, theek hai. Ek quanta ki energy kya ho jati hai, h nu ho jati hai. Ab dekho agar ye radiation hai to ye is equation ko bhi follow karega that स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है. अब देखो यहाँ पर ये जो सिंबल्स है इनके ये यूजुअल मीनिंग है. ई फॉर एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है पर क्वांटा, ये वो एनर्जी है. एच जो है वो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है. ये जो एनर्जी की इक्वेशन है ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये मैक्स प्लैंक ने दिया था जिन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर जो एनर्जी होती है वो क्वांटा के फॉर्म स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, ठीक है. और आपका जो न्यू होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि वन टाइम पीरियड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स मूव कर रही है, ठीक है. दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी इज. सी रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट, राइट, स्पीड ऑफ लाइट. और आपका लैम्डा रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ. वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और द टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ, राइट, इन पर यूनिट टाइम. तो ये होता है हमारा डिस्टेंस, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो यहां से अगर मैं ये इसको रिप्लेस करूं फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है. तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है. इसके बाद एक और, ये इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर टू थी बेसिक जिसको मैं मॉडिफाई करके जा रही हूँ. थर्ड इक्वेशन क्या होती है कि वेव नंबर इज इक्वल्स टू वन अपॉन वेवलेंथ होती है. मतलब अगर वेव नंबर या वेवलेंथ को देखें तो वे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. यानी कि अगर पर मीटर के या पर यूनिट डिस्टेंस में से कितनी वेव्स पास कर रही हैं उसको हम वेव नंबर कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर वन अपॉन लैम्डा को मैं क्या लिख सकती हूँ, ई इज इक्वल्स टू एच सी न्यू बार. न्यू बार क्या होता है, हमारा वेव नंबर होता है, वेव नंबर, ठीक है, पर यूनिट डिस्टेंस में से कितनी वेव्स पास कर रही है, क्लियर. सो वो वेव नंबर कहलाता है. सो हमारा ओवरऑल जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, इसमें, ठीक है. सो अब क्या देख रहे हो कि यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, और जो एनर्जी और वेव नंबर कैसे है डायरेक्टली रिलेटेड है. तो अगर हमारे पास दो रेडिएशन है, सो मैं एक रेडिएशन की एनर्जी को क्या बोल देती हूँ, ई वन एच सी न्यू बार वन बोल देती हूँ, और दूसरी रेडिएशन की एनर्जी को बोल देती हूँ ई टू एच एच सी न्यू बार टू बोल देती हूँ. अगर मैं इक्वेशन नंबर फोर और इक्वेशन नंबर फाइव का रेशो ले लूँ, डिवाइड कर दूँ एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा, ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल्स टू एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा, न्यू बार वन डिवाइडेड बाई न्यू बार टू हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे ये जो दो रेडिएशन है इनका जो वेव नंबर है इसका रेशो ऑलरेडी 2/3 लिखा हुआ है, 2/3, 2:3 मतलब 2/3. तो इनकी जो एनर्जी पर क्वांटा होगा उसका रेशियो भी कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा. यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं, इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.